हमारे टीम के क्रिकेटर्स बेस्ट T20 क्रिकेटर्स हैं पूरे भारत में, ऐसा कहा कप्तान हार्दिक पांड्या ने सीरीज जीतने के बाद। अपनी टीम का मनोबल और भी ज्यादा बढ़ाया जीतने के बाद और पूरे अच्छे तरीके से बैक किया हार्दिक पांड्या कप्तान ने अपने प्लेयर्स को। और आप सब जानते हैं कि यंग टीम उतरी थी जिसमें विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा नहीं थे इस सीरीज में, फिर भी गलतियों से सीख सीख कर 2-1 से ये सीरीज जीती भारतीय टीम के यंग ब्रिगेड ने, या कह सकते हैं यंग लड़कों ने, जिसमें शुरुआत में देखिए शुभमन गिल का जो है बल्ला नहीं चला पहले मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ वानखेड़े में। ईशान किशन ने कुछ 35 या 37 रन बनाए। उमरान ने अच्छी बॉलिंग करी तीनों मैचों में। शिवम मावी ने अपने डेब्यू पर जो है 4 विकेटें लीं। अर्शदीप सिंह जिन्होंने सेकेंड T20 से वापसी करी टीम में, जो पुणे में हुआ था वहां पर उन्होंने लगातार 9 बॉल्स डाली, लेकिन फिर भी हार्दिक पांड्या ने उन पर भरोसा जताया और जो है तीसरे मुकाबले में राजकोट में उनको लेकर आए, भरोसा जताया और उन्होंने अर्शदीप ने आकर 3 विकेटें भी ले ली। और तो और अगर आप देखें एक और चीज़ के, हार्दिक पांड्या लगातार अपने प्लेयर्स को बैक करते रहते हैं और इस बार ही उन्होंने कहा कि कोई भी जगह नहीं है कि हमारे टीम को अब, या कह सकते हैं जो हमारे नए लड़के हैं इनको कोई डाउट कर सके, क्योंकि उन्होंने इतना बेहतरीन क्रिकेट खेला है। और तो और चाहे कोई करे ना करे बैक, मैं तो अपने खिलाड़ियों को करूँगा। एक अच्छा कप्तान भी वही होता है जो अपने बुरे या अच्छे वक्त में खिलाड़ियों के उनको बैक करे लगातार, और हार्दिक ने भी वही चीज़ें करके दिखाई हैं। और तो और जिस हिसाब से हार्दिक पांड्या ने कहा कि मुझे अपनी कप्तानी का, जिस हिसाब से मैं आजकल कप्तानी कर रहा हूँ या जो जैसे भी कप्तानी कर रहा हूँ, उस चीज़ का श्रेय जाता है आशीष नेहरा को, जिन्होंने गुजरात टाइटंस में मेरे साथ बहुत बढ़िया चीज़ें शेयर करी। चाहे हम दोनों के जो है माइंडसेट अलग अलग हो, लेकिन हमारी जो क्रिकेटिंग थॉट्स है, यानी जो हमारा क्रिकेटिंग ब्रेन है, वो बिल्कुल एक जैसा चलता है। और कुछ इंसान को चाहिए कि आपको, आप एक क्रिकेटर हैं, आपका कोच जो है वो, यानी कि आशीष नेहरा गुजरात टाइटंस में जो हार्दिक पांड्या के हेड कोच थे, वो भी भारतीय टीम के लिए बहुत मैचेस खेल चुके हैं, प्रेशर मोमेंट्स में मैचेस खेल चुके हैं, तो अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिकेट के मामले में चाहिए और तो किसी चीज़ से फ़र्क पड़ता नहीं। तो इसी मामले में भी हार्दिक पांड्या ने यही कहा था कि आशीष नेहरा ने उनको एज ए कैप्टन ग्रूम करने में आशीष नेहरा का बहुत बड़ा हाथ है, और उसके बाद पूरा का पूरा श्रेय दिया हार्दिक पांड्या ने अपने यंग खिलाड़ियों को। और तो और हम आगे भी देखेंगे कि फ्यूचर में हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे T20I फॉर्मेट के, और भी ज़्यादा नए लड़के उनके अंडर डेब्यू भी कर सकते हैं और मैच विनिंग नॉक्स भी खेल सकते हैं। और तो और सबसे बड़ी चीज़ के सूर्य कुमार यादव और भी ज़्यादा निखर के आए इस बार, फिर उन्होंने जो तीसरी T20 इंटरनेशनल सेंचुरी लगा दी और लगातार सबके सब बढ़िया परफॉर्मेंस करते हैं। अब वनडे सीरीज़ है, अब वनडे सीरीज़ में श्रीलंका के खिलाफ हार्दिक पांड्या उप कप्तानी करेंगे। देखना होगा कि यंग लड़के भी हैं थोड़े बहुत उस टीम में, अब देखना होगा कि कैसा परफॉर्मेंस रहता है भारतीय टीम का।